बेटा राघव, 2 दिन बाद मेरी बीपी और शुगर की दवाइयाँ खत्म हो जाएगी, उसे मंगवा लेना। तुमने कहा था खत्म होने के 2 दिन पहले तुम्हें बता दूं, इसलिए तुम्हें याद दिला रही हूँ, वरना तुम फिर व्यस्त हो जाओगे और मुझे बिना दवाइयों के दिक्कत हो जाएगी, उर्मिला जी अपने बेटे से बोल रही थी। राघव बोला, हाँ तो कौन सा गलत कहा था, शाम तक अगर याद रहा तो ठीक है, वरना फिर से याद दिला दीजिएगा। माँ, हफ्ते में 1 दिन तो छुट्टी मिलती है, कम से कम ये 1 दिन तो मुझे अपने परिवार के साथ बिताने का मौका दीजिए। पूरा दिन क्या आप में ही लगा रहूं? क्या आप ये चाहती है? उर्मिला जी बोली, नहीं नहीं बेटा, मेरे लिए तुम अपने परिवार को मत छोड़ना, मैं ये नहीं कह रही हूँ, मैं तो बस तुम्हें याद दिला रही हूँ। एक माँ ऐसा क्या करती है जो बच्चे उसके लिए सब कुछ छोड़ दे। इतना कहकर मंजू जी के आंखों में आंसू आ गए। राघव बोला, अब आप मुझे इमोशनली ब्लैकमेल मत कीजिए, ये आपके और आपकी बहू के आंसू तो बात बात पर निकल आते हैं। पिछले 15 दिन से मैं कविता को शाम में बाहर ले जाने की कोशिश कर रहा हूँ, एक तो दफ्तर से छुट्टी नहीं मिलती, ऊपर से शाम में जब भी आता हूँ तो आप दोनों की कुछ ना कुछ कहानी चलती ही रहती है। तंग आ गया हूँ मैं ऐसी जिंदगी से, मुझे अपनी जिंदगी जीने दीजिए। तभी राघव की पत्नी कविता बाहर आई और राघव को बोली, क्या हुआ, आपका मूड क्यों खराब हो गया? राघव बोले, कुछ नहीं, माँ की दवाइयाँ खत्म हो गई है, उसे भी लाना है। इतना कहकर राघव बाहर चला गया। कविता बोली, मम्मी जी, इतने दिनों से आप दवाइयाँ खा रही है, कुछ होता जाता तो है नहीं, क्यों फालतू में अपने बेटे के पैसे को बर्बाद कर रही है? आप ये क्यों नहीं समझती कि अब वापस से आप पहले जैसी नहीं हो सकती है? उर्मिला जी बोली, बहू, ये कैसी बातें कर रही हो, मैं पहले जैसा होने के लिए दवाई नहीं खा रही हूँ, बस हालत और खराब ना हो जाए इसलिए दवाई खाती हूँ। जैसे ही राघव आया, कविता रोने जैसी सूरत बना ली और राघव से बोली, देखा आपने, मेरी कोई भी बात इनको कितनी बुरी लगती है, दिन भर इनकी वजह से मैं घर में रहती हूँ, कहीं जा नहीं पाती हूँ, उसका सिला मुझे ये ऐसे देती है, और अपने झूठे आंसू को पोंछने लगी। बहू की बातें सुनकर उर्मिला जी को बहुत बुरा लगा, उनकी आंखों से जर जर आंसू बहने लगे। बेटा बोला, देखा, रुला दिया आपने इसे, कितनी मुश्किल से हमने बाहर निकलने का प्रोग्राम बनाया था, आपसे हमारी इतनी सी भी खुशी देखी नहीं जाती है। उर्मिला जी बोली, पत्नी के आंसू तुम्हें दिखते हैं, माँ के आंसू क्यों नहीं दिखते हैं? क्या मुझसे ज्यादा इसने तुम्हें प्यार दिया, या मुझसे ज्यादा इसने तुम्हारे साथ वक्त बिताया है? ऐसा क्या होता है कि पत्नी के आते ही माँ का स्थान बदल जाता है? हर बार बच्चों की वजह से माँ की आंखें ही क्यों नम होती है? राघव बोला, लगता है आजकल आप बहुत फिल्में देखने लगी है, इसलिए इतने बड़े बड़े डायलॉग बोल रही है, किसी का स्थान नहीं बदला है, एक आदमी को माँ के साथ साथ पत्नी की भी जिम्मेदारी भी उठानी पड़ती है, मगर आप तो चाहती है कि दिन भर सब आप में ही लगा रहे, आप तो अपनी जिंदगी जी चुकी है, अब कुछ पल हमें भी जीने दीजिए। कविता जट से बोली, क्या आज भी इसी फिल्मी ड्रामे में हमारी शाम गुजर जाएगी, या कहीं हम बाहर चलेंगे? छोड़िए, इन सब बातों से आप अपना मूड मत खराब कीजिए, चलिए चलते हैं। मम्मी जी, रसोई में खाना रखा है, गरम करके खा लीजिएगा। कविता राघव का हाथ पकड़ के बाहर की तरफ चली गई। सबके जाने के बाद उर्मिला जी उदास होकर बैठ गई और अपने पुराने दिनों को याद करने लगी। तभी उनकी पुरानी सहेली मीना का फोन आया। उर्मिला जी के आवाज से वो समझ गई कि कुछ हुआ है। वो बोली, क्या बात है उर्मिला, आज फिर कुछ हुआ क्या? तुम्हारी आवाज में बहुत दर्द महसूस हो रहा है। उर्मिला जी बोली, हर बार एक माँ की आंखें ही क्यों नम होती है, न जाने हर बार औरत ही औरत के आंसू का कारण क्यों बनती है। पति के जाने के बाद अगर लायक बेटा ना मिले तो एक औरत, एक माँ की हालत बद से बदतर हो जाती है, ये बात मैं समझ चुकी हूँ, परंतु जीवन है, इसे तो काटना ही होगा, जाने ऊपर वाले के घर मेरा बुलावा कब आएगा।
मीना जी बोली, हर घर की यही कहानी होती है। मेरी बहू को देखो, मेरे फोन में कुछ पैसे भरवा देती है और पूरा दिन मेरा फोन ही इस्तेमाल करती है। मुश्किल से रात में फोन मेरे हाथ में लगता है। अब बताओ, रात में मैं सोऊंगी या फोन चलाऊंगी? पूरा दिन मेरा पोता फोन में खेलता रहता है और जब पैसे खत्म हो जाते हैं तो बेटे के सामने सुनाती है कि इस उम्र में इनके फोन का खर्चा कितना आता है। फिर बेटा भी मुझे आंखें दिखाता है। उर्मिला जी बोली, हमने बच्चों के लिए क्या क्या किया और यही बच्चे कितनी जल्दी भूल गए। अब उनके पास ना तो हमारे लिए वक्त है और ना पैसा, दोनों नहीं है। मीना जी बोली, इंसान का शरीर जब तक चलता रहता है तब तक करने और सहने की शक्ति होती है। जब शरीर ही अपना साथ छोड़ दे तो सहने की शक्ति भी कहीं ना कहीं पीछे छूट जाती है। जब मीना जी के दुख का पता चला तब मंजू जी को लगा कि मैं अकेली नहीं इस दुनिया में जिसके बेटे को माँ के आंसू दिखते नहीं है। बातें करते करते उर्मिला जी की आंख लगी और बेचारी बिना खाए पिए वहीं कुर्सी पर सो गई। रात के करीब 10 बजे जब बेटा और बहू घर वापस आए तो कविता बोली, ये देखो तुम्हारी माँ घोड़े बेचकर सो रही है। पूरे दिन फोन में लगी रहती है और कहती है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती है। राघव ने माँ को जगाया, माँ उठो अपने कमरे में जाकर सो जाओ। उर्मिला जी हड़बड़ा कर उठी और बोली, तुम सब आ गए? राघव बोला, हाँ हाँ हम आ गए, आपकी आंखें लाल हो गई है, आप जाकर कमरे में सो जाओ। कविता आकर बोली, मम्मी जी आपने खाना भी नहीं खाया? उर्मिला जी बोली, बहू मेरे घुटनों में बहुत दर्द है, किचन तक जाकर उसे गर्म करना मेरे बस की बात नहीं थी। कविता बोली, अगर नहीं खाना था तो कह देती, बेकार में खाना बर्बाद हुआ, घर का अनाज नहीं है, आपको पता है अनाज का दाम कितना बढ़ गया है। इतना कहकर वो वहां से चली गई। उर्मिला जी बेटे से बोली, बेटा मेरी छड़ी ला दे या मुझे मेरे कमरे तक पहुंचा दो। राघव ने उर्मिला जी को छड़ी लाकर दी और बोला, माँ मैं बहुत थक गया हूं, अब खुद चली जाइए, और वहां से चला गया। उर्मिला जी सोची, जिस बेटे को बिना खिलाए मैं सोती नहीं थी, आज उसने अपनी भूखी माँ से एक बार नहीं बोला कि माँ खाना खा लो। क्या ईश्वर ने बस माँ के हिस्से में ही दर्द दिया है? क्या माँ के आंसू बच्चों को दिखते नहीं है? हर बार माँ की ही आंखें बच्चों की वजह से क्यों नम होती है? यही सोचते हुए उर्मिला जी धीरे धीरे अपने कमरे में चली गई। न जाने उस रात दर्द कितना बढ़ गया कि ऊपर वाले ने भी उर्मिला जी की गुहार सुन ली और उन्हें भूखे पेट अपने साथ ले गया। सुबह जब बहुत देर तक राघव ने माँ की आवाज नहीं सुनी तब वो उनके कमरे में गया और बोला, माँ आज क्या पूरा दिन सोती रहोगी, अब उठ भी जाओ। माँ के कानों तक उसकी आवाज पहुंच नहीं रही थी। राघव ने उनका हाथ जैसे ही पकड़ा उसे महसूस हुआ कि उर्मिला जी का हाथ बिल्कुल ठंडा था, उनकी आंखों के पास उनके आंसू सूखे हुए थे। राघव ने आवाज लगाई परंतु माँ तो जा चुकी थी। राघव ने कविता को आवाज लगाई और वो रोने लगा। बहू आई पर उसे इतना दर्द कैसे होगा क्योंकि वो उसकी माँ नहीं थी। जिसकी माँ थी उसने पहले अपनी माँ के आंसू देखे नहीं, अब माँ के जाने के बाद आंसू बहाकर भी आखिर क्या हासिल हो पाएगा। राघव ने मीना जी को ये दुख भरी खबर दी। मीना जी बोली, राघव वो अपनी आंखों में गम के सिवा और कुछ नहीं ले गई। मैं तो बस इतना ही कहूंगी, जो माँ पूरी जिंदगी अपने आंचल से बच्चों के आंसू पोंछती, क्या वो आखिरी पल में भी थोड़ी सी खुशियों की हकदार नहीं होती है? आज न कल तुम भी पिता बनोगे और बहू बेटे की वजह से तुम्हारी आंखों में जब आंसू होंगे तो बस ये सोचना कि तुम्हारा अंत कैसा होगा। इतना कहकर मीना जी ने फोन रख दिया। मीना जी के बातें दूर खड़े उनके बेटे ने सुन ली और उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और उसे लगा कि कल को अगर उसकी माँ कुछ इस तरह चली गई
तो जीवन भर वो खुद को माफ नहीं कर पाएगा। अब जब कभी उसकी पत्नी उसे मीना जी की बातें सुना दी तो बस इतना ही कहता, मेरी माँ को मैं तुमसे ज्यादा जानता हूं, तो आइंदा इनकी शिकायत मेरे पास मत लेकर आना। मीना जी को संतोष हुआ कि चलो जाने से पहले बेटे को अपनी गलती का एहसास तो हुआ, मेरे लिए आखिरी समय में इतना ही काफी है। दोस्तों, इतना भी कठोर हम कैसे हो सकते हैं कि अपने माता पिता के आंसू हमें नहीं दिखते हैं। आज न कल हमें भी उसी वक्त से गुजरना होगा। कम से कम यही सोचकर हम अपना आज सुधार सकते हैं। क्यों हर बार माँ की आंखें नम होती है? जब हमारी आंखें नम होती थी तो वही आंचल उसे पोंछते थे और हम आखिरी वक्त में उन्हीं आंखों में गम के आंसू देते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, और ऐसे ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।